नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजस शुक्ला। नजर डालते हैं आज की खबर की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विवाद और गहरा गया। विवादित बयान देने पर राणे के खिलाफ नासिक के साइबर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई है और नासिक शहर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए निकल भी चुकी है। तो वही मुंबई में दादर इलाके में शिव सैनिकों ने नारायण राणे के खिलाफ पोस्टर लगाए। पोस्टर में नारायण राणे की तस्वीर के साथ कोमड़ी चोर लिखा हुआ, जिसका मतलब है मुर्गी चोर। नासिक स्थित बीजेपी के दफ्तर पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पत्थर फेंके। उधर शिवसेना सांसद विनायक राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर राणे को केंद्रीय मंत्री पद से हटाने की मांग की है। दरअसल नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर विवादित बयान देते हुए थप्पड़ मारने की बात कही थी। नारायण राणे के विवादित बयान के बाद शिव सैनिकों ने जगह जगह प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। दादर में राणे के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं, तो वहीं नासिक में बीजेपी के दफ्तर के बाहर पत्थर फेंके गए हैं। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने राणे को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। राणे के आवास के बाहर शिवसेना कार्यकर्ताओं की इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने की बात सामने आ रही। इस पर नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने लिखा, खबर है कि युवा सेना के सदस्यों को हमारे जुहू आवास के बाहर इकट्ठा होने को कहा गया। या तो मुंबई पुलिस उन्हें वहां जाने से रोके या फिर कुछ भी वहां होता है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। शहर की मांग में जाने की हिम्मत न कर, हम इंतजार कर रहे होंगे। उद्धव ठाकरे पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर राणे के खिलाफ मुंबई में कई जगह FIR दर्ज हुई है। इस पर राणे ने कहा, मुझे मेरे खिलाफ FIR को लेकर कोई जानकारी नहीं, मैं साधारण इंसान नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया। अगर किसी को 15 अगस्त के बारे में नहीं पता तो क्या यह अपराध नहीं है? मैंने कहा मैं थप्पड़ मारता, ये शब्द थे मेरे और यह अपराध नहीं। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।